हे गाइस, मैं हूं तेजस, लेके आ गया हूं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम सीखेंगे सब कुछ है रूटिंग और जेल ब्रेकिंग के बारे में। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जितना मुझे पता है। तो आपने एंड्रॉयड का नाम सुना होगा, आपने आईफोन का नाम सुना होगा। तो जो उनकी जो शील्ड्स होती हैं वो आपको सिर्फ कुछ मिनिमम हद तक ही ले जाते हैं कि आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, इसके बाद कहीं आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसके हद के आगे बढ़े तो आपको रूटिंग या जेल ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो स्पेशली रूटिंग का क्या मतलब होता है, एंड्रॉयड में अगर आप एंड्रॉयड की शील्ड को तोड़ के आप अंदर घुसते हैं, उनकी रूट्स तक पहुंचते हैं, एंड्रॉयड की रूट्स तक, तो उन्हें कहते हैं रूटिंग। और यही काम अगर आप आईफोन में करते हैं तो उसे कहते हैं जेल ब्रेकिंग, क्योंकि यहाँ मतलब एक पिंजरे की तरह होता है, इट्स अ केज जहाँ आप रहते हैं। तो जब आपको क्रॉस करना होता है तो उस पिंजरे को तोड़ना होता है। तो ये दोनों काफ़ी हद तक सेम ही होते हैं, इनकी एडवांटेजेस भी होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि एडवांटेज क्या होती है। एडवांटेज ये होती है, मान लीजिए आपने COC तो खेला ही होगा, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं COC के हैकिंग की। तो हैकिंग जो होती है, बिना रूट के आप सिर्फ मोड एवी के डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने रूट कर लिया है तो आप अपना COC हैक कर सकते हैं, आपका जो COC अकाउंट है। तो यही काम आप आईफोन में भी कर सकते हैं। ऊपर से एक बात और है, अगर आपके फ़ोन की रैम कम होगी, मान लीजिए 1 GB होगी, 2 GB होगी, 4 GB होगी, और उसे बढ़ा सकते हैं आप रूटिंग करके, उसमें मेमोरी कार्ड डालिए। एक सर्टेन प्रोसेस होता है जिसके आप कर सकते हैं ये काम। इंटरनल मेमोरी भी आप इससे बढ़ा सकते हैं। प्लस एक चीज़ होती है हार्ड रीसेट, जो रूटिंग के प्रोसेस में आता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने पैटर्न लॉक लगाया और आप भूल गए हैं उसे कि उसका पैटर्न क्या था, या फिर किसी और का हो, तो आप उसे हार्ड रीसेट करके आप उसे पैटर्न को खोल सकते हैं। तो बात ये होती है कि रूटिंग और जेल ब्रेकिंग इलीगल है या लीगल है। तो आप काफ़ी हद तक समझिए इलीगल ही होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी नहीं देती हैं, लेकिन ये जो कुछ कंपनीज होती हैं वो देती हैं वारंटी। एक बात और है कि आपको अपना डेटा हमेशा बैकअप करना होगा अगर आप रूटिंग करने से पहले, क्योंकि रूटिंग के लिए बूट लोडर चाहिए होता है जो आपका सारा डेटा ले लेगा आपसे। तो बैकअप करके रखिए, गूगल ड्राइव वगैरह जो भी आपके पास हो डिवाइस में, जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो। अब होता ये है कि रूटिंग या जेल ब्रेकिंग करते कैसे हैं। कुछ मोबाइल्स में तो वन टच प्रोसेस होता है, आप वॉल्यूम कम का बटन दबाइए, पावर का बटन दबाइए, अगर सैमसंग का है तो होम स्क्रीन बटन एक साथ दबाइए, उसके बाद ऑफ कर दीजिए, देखिए वो रूटिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ सर्टेन प्रोसेस अपनाना होगा। बहुत सारी वीडियोस हैं ऐसी जो ये सब करती हैं। तो बात अब ये आती है कि लीगल और इलीगल के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिसएडवांटेजेस इसकी क्या हो सकती हैं। मान लीजिए अगर आप रूट कर रहे हैं, आपका प्रोसेस चल रहा है, और अगर बीच में आपका फ़ोन लटक जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं लेता है कि लटक जाए तो फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन करने के बाद मज़ा बहुत आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, आपने जब रूट कर लिया तो आपकी जो वारंटी होती है फ़ोन की, मान लीजिए आपने कल ही एक नया फ़ोन खरीदा है और उसके अगले दिन ही आपने उसे रूट कर लिया, तो उसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ ऐसा करती हैं, मैं सारी कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ यही करती हैं कि वारंटी ख़त्म कर देती, और कुछ कंपनी होती है जो वारंटी रखती भी हैं। तो अगर रूट के बाद आपका फ़ोन ख़राब हो जाए जो कि हो सकता है, तो उसके कोई कंपनी गारंटी नहीं लेगी, आपको रिपेयर के पैसे खुद ही खर्च करने पड़ेंगे। ऊपर से आपने अगर रूट कर लिया सक्सेसफुली, तो उसके बाद एक चीज़ हो सकती है, या तो आपका गूगल प्ले स्टोर नहीं चलेगा, ऐप स्टोर नहीं चलेगा, नो इंटरनेट कनेक्शन लिख के आएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंटरनेट ब्राउज़र काम नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको रूट ब्राउज़र और बाकी बहुत सारे ऐप्स जो होते हैं वो डाउनलोड करने पड़ सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में ये सब आता है। तो इसका यूज़ क्या होता है, बहुत सारे हैकर्स इसे यूज़ करते हैं, जिनका मन हो, जो शौकीन हो, कुछ अपना होता है ना आगे बढ़ने की, अपनी खुद की लिमिट्स बनाने की, वो इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, ये कहीं कहीं बदनाम है, कहीं कहीं मतलब बहुत मशहूर है कि इसे अच्छा माना जाता है, बस यही एक चीज़ होती है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना लूँ। तो ये था पूरा जितना मुझे पता है रूटिंग और जेल ब्रेकिंग के बारे में। तो अगली वीडियो में मैं आपसे बाद में बात करूँगा कि कोडिंग किस तरह करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।